आपकी मौत जाया नहीं जाएगी सेनापति सलामत। अकबर और इस महल में रहने वाले सभी लोग मारने का जो मंसूबा हमने बनाया था उसे हम पूरा करेंगे। आपने इस महल की मरम्मत के बहाने इसमें तेल बारूद और जलने वाले रसायन भर दिए। अब इसमें सिर्फ आग लगाना बाकी है और ये नेक काम हम करेंगे। जलाकर राख कर दूंगा सब कुछ। सबसे पहले अकबर का ये तख्त। रुक जाइए। इतनी भी क्या जल्दी है मोहसिन? आपका ये तमाशा देखने के लिए सबको आने तो दीजिए। क्या कह रहे थे आप हमारे महल को जलाकर राख कर देंगे? हम सबको जलाकर राख कर देंगे, माफी चाहेंगे, लेकिन हमने आपका ये ख्वाब पूरा नहीं होने दिया। सिपाहियों, हमने आपको अपने महल में जगह दी, आपको इज्जत दी, अपने साथ इस महल में रखा, और आपने क्या किया? और क्या हम जान सकते हैं कि आपने ये सब किया क्यों? हम सब ने बिगाड़ा क्या है आपका? आपने मेरे बड़े भाई सलालुद्दीन को मौत के घाट उतारा है। तो तुम सलालुद्दीन के भाई मोहसिन अलाउद्दीन हो? हाँ, और मैं उसकी मौत का बदला लेने आया हूं आप सबसे। आपकी भाई के मौत के जिम्मेदार हम नहीं थे, आपके भाई के मौत के जिम्मेदार वो खुद थे। आप ही की तरह वो हमारे महल में घुसकर छिपकर पीछे से हम पर वार करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में हम क्या करते? उन्हें सजाए मौत नहीं देते तो क्या फूलों का हार चढ़ाते उन पर? माफी चाहेंगे, लेकिन आपकी इस गलती के लिए सजाए मौत तो आपको भी मिलेगी। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि इसको ऐसी मौत दो के पानी भी नसीब ना हो, लेकिन हम आपको एक ऐसी मौत देंगे कि आपको पानी ही नसीब होगा। इसे ले जाओ और पानी में डुबो दो, पर तब तक डुबो कर रखो जब तक इनके अंदर के ये बदले की आग, इनके अंदर ये जलते हुए शोले सारे के सारे बुझ ना जाएं। ले जाओ इसे। शाबाश बीरबल। अब ये भी बता दीजिए कि आपको शक हुआ कैसे कि यहां पर ये हमारे महल को आग लगाने आए थे? जापना सलामत खान ने मरते वक्त कहा था कि उसने हम सब की मौत का इंतजाम कर रखा। अब सोचने वाली बात ये थी कि सलामत खान तो मर गया, फिर उसने हमारी मौत का इंतजाम किया कैसे? हमने हर उस जगह की जांच की जहां सलामत खान ने महल में मरम्मत की थी। हमारे जहन में यह बात आई जापना कि सलामत खान ने उस जगह तेल बारूद और तुरंत जलने वाले रसायन छिपा रखे। वाह बीरबल वाह, आपकी अक्लमंदी होशियारी और दानिशमंदी की हम दाद देते। और फिर आपने सोचा कि सलामत तो मर गया है, अब आग कौन लगाएगा, और फिर आपको इस मोहसिन पे शक हुआ? नहीं जापना, शक नहीं, हमें यकीन हो गया कि मोहसिन ही वो इंसान है जो आग लगाएगा, क्योंकि महल में मोहसिन के अलावा बाहर का कोई इंसान था ही नहीं, और इसीलिए हम आप सबको लेकर उसे रंगे हाथों पकड़ने यहां आ गए। वाह वाह बीरबल वाह, आपकी अकलमंदी होशियारी और दानिशमंदी की हम दाद देते हैं। शुक्रिया जापना जापना, लेकिन इसमें एक छोटी समस्या और हो गई। हर उस जगह जहां सलामत खान ने मरम्मत की थी वहां महल में अब भी रसायन तेल और बारूद मौजूद है। उस जगह की फिर से मरम्मत करवानी होगी और इसमें कई गुना खर्चा और होगा। उसकी फिक्र आप मत कीजिए बीरबल, ये सारी गड़बड़ वजीर आजम बलदेव की वजह से हुई है। तो अब पूरे महल की मरम्मत भी वजीर आजम बलदेव ही करवाएंगे, वो भी अपने खर्चे पर। जी हाँ। अरे पिताजी, खर्चा करने की जरूरत नहीं है, मैं आपका काम कराता हूँ ना मुफ्त में।
मुझे पता है कि ये तेल रसायन ये बारूद को महल से कैसे निकालना है। कैसे? अरे फूफू, इस मशाल से मैं पूरे महल में आग लगा दूंगा। बस वो तेल बारूद रसायन सब जल के खाक हो जाएगा दीपक। अरे साथ साथ में हमारा पूरा महल जल जाएगा। वो समस्या था वो आपकी है।